पंजाब में विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर राज्य की 5 राज्यसभा सीटों पर भी है, जिसके लिए 31 मार्च को चुनाव होने जा रही है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपके राज्यसभा उम्मीदवार जो है, दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल 31 मार्च को पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। दिल्ली से विधायक और पंजाब के पार्टी प्रभारी राघव चड्ढा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है और वहीं इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक और क्रिकेटर हरभजन सिंह भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बने हुए हैं। राघव चड्ढा की उम्र मात्र 33 साल है। चड्ढा अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो वे देश में सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद होंगे। इससे पहले 35 साल की मैरी कॉम सबसे युवा सांसद बनी थी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर बहुमत हासिल किया है। माना यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। चड्ढा के अलावा अगर बात करें तो प्रोफेसर संदीप पाठक का भी नाम राज्यसभा उम्मीदवार के लिए पंजाब से तय किया गया है। इसके अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाब से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। इनके अलावा लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर और फाउंडर अशोक कुमार मित्तल और लुधियाना से व्यवसायी संजीव अरोड़ा को भी प्रत्याशी यानी उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा वडिंग ने भगवंत मान से गुजारिश भी की है। ये पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा कि वो पंजाब के लोगों को राज्यसभा के लिए नामित करें। पंजाब में राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में 31 मार्च को पंजाब में राज्यसभा का चुनाव होना है। मेरी पार्टी ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे इन युवा कंधों पर डाली है। मैं बस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी ईमानदारी की राह पे चल के मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसे बखूबी निभा सकूँ। पंजाब के लोगों की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उठा सकें। और मान साहब अब सांसद नहीं रहे, जाहिर तौर पे उनकी कमी खलेगी, तो हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि उस कमी को ना खलने दें। हम मान साहब जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो शायद ना दे पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कमी ना खले। जब बनता है कि आप हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते थे, आपका ये कर्तव्य बनता है कि पंजाब के लोगों को, बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से और बुद्धिजीवी हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको राज्यसभा में मौका देना चाहिए। ये आज मुख्यमंत्री का, मैं समझता हूँ, पहला इम्तिहान है कि वो पंजाब और पंजाबियत के साथ खड़े होते हैं या फिर बाहरी राज्यों के साथ जो पहले होता आया है उसी प्रकार का वो काम करेगा। मेरी तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्यादा चर्चा हमारे साथ करेंगे। और उनके अलावा हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया है, लेकिन अब नजर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की 5 सीटों पर भी बनी हुई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं जिन कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? पंजाब में उन्होंने चूंकि अप्रत्याशित जीत, उन्होंने 92 सीटें 117 में से जीती हैं, तो उनकी 5 तो
कहीं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो राज्यसभा के पांचों उनके कैंडिडेट जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन जो मुख्य सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति करने के लिए आई हुई है, तो क्या ऐसे में वो वैकल्पिक राजनीति करेगी या फिर पुराने परंपरागत दलों के ही, जिस तरह से परंपरागत जो दूसरे दल है वो जिस धरने पर चल रहे थे उसी धरने पर चलेंगे? क्योंकि देखिए ये उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो किसको टिकट लड़ा और वो लड़ भी सकता है, दूसरी पार्टियां भी यही करती हैं। लेकिन मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा को, पंजाब के प्रभारी थे, उन्हें भी टिकट दे दिया है, तो हमें लग रहा है कि अगर इस प्रकार का निर्णय ना लेके, पंजाब देखिए पंजाब की अपनी एक अलग संस्कृति है, पंजाब के अपने अलग बुद्धिजीवियों का पूरा विशाल सा क्षेत्र है, उन्होंने अगर वहां से वो ज्यादा प्रतिनिधित्व देते तो वो एक तरह से नई किस्म की राजनीति होती। हालांकि उन्होंने लिया, जैसे क्रिकेटर हरभजन सिंह है उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, बड़ी अच्छा शानदार स्वागत योग्य निर्णय है वो, कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान रहा है अब वो पंजाब को भी जिस तरह से सर्व कर सकेंगे, खेल के मुद्दों को उठा सकेंगे, तो वो निर्णय काफी शानदार निर्णय है। लेकिन ये जो उन्होंने संदीप पाठक जी को टिकट दिया है, या फिर चलिए वो भी एक तरह से IIT के प्रोफेसर है, समझ में आ रहा है, लेकिन राघव चड्ढा जो कि दिल्ली विधानसभा के वर्तमान में एकदम सिटिंग MLA है, उन्हें वहां से आप एक तरह से राज्यसभा के मेंबर बना रहे हैं, बन भी जाएंगे वो, लेकिन फिर यह होगा कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फिर तब एक तरह से पंजाब को टूल के रूप में यूज कर रही है। तो अगर वह इस मानसिकता से बाहर रहते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यह एक तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है तो वो परंपरागत दलों के धर्रे पर ही चल रही है, जबकि वहां के लोगों ने सभी परंपरागत पार्टियों को इसलिए खारिज किया था कि आम आदमी पार्टी के नई किस्म की राजनीति उन्हें देखने का मौका मिले। तो थोड़ा सा कुछ इस टिकट वितरण में कुछ खुशियां भी हैं जिसके कारण मैं काफी संतुष्ट भी हूं, लेकिन कुछ नामों के कारण जो एक नई उम्मीद थी वो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा झटका लगता हुआ भी है। मनीषा जी, ठीक, राहुल लाल जी लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जैसे कि राहुल लाल जी जिक्र कर रहे थे अभी कि राघव चड्ढा को जो कि कैंडिडेट बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरागत जो चीज़ चली आ रही है उसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है, उसकी जगह पर अगर वो पंजाब से ही किसी को उम्मीदवार बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। आप किस तरीके से इस पूरे कैंडिडेट्स का, जिस तरीके से नाम का ऐलान किया गया उसको देख रहे हैं? मनीषा जी बिल्कुल सही बात है आपने कहा, जो पुरानी परंपरागत चीज़ें उनको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। देखो सारे आम आदमियों को टिकट दिया है, हरभजन सिंह वो भी आम आदमी है, मित्तल साहब वो भी आम आदमी है, और एक छोटे से उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, वो भी आम आदमी है, तो अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी है अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन राघव चड्ढा को दिल्ली से शिफ्ट करना, वहां से भेजना, तो कुछ अटपटा तो है। देखो इसमें मुझे लग रहा है वहां पे ये बात पहले से उठती आई है कि आम आदमी पार्टी ठीक है दिल्ली में अपना वर्चस्व है और दिल्ली से ही सब कुछ चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और पंजाब के परिवेश में अगर देखें तो स्थितियां परिस्थितियां पूरी बदली हुई हैं। पंजाबी ये चाहते हैं कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जाए वहां पे पहुंचे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मिला जुला असर रहा है, यहाँ से कुछ चीजें विरोधाभास वाली और विरोध वाली चीजें यहाँ से शुरू उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा आम आदमी पार्टी को इस बार मौका ज्यादा मिला नहीं है कि पांच नाम कैसे कहाँ से तय करे जाए, बहुत कम शॉर्ट में 24 घंटे में कल से मीटिंगें चल रही है वो कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो पांच नाम वहां उठा के भेज रही है राज्यसभा के लिए, उनसे दिल्ली का क्या ताल्लुक है, उनसे पंजाब का क्या ताल्लुक है, इन तीनों चीजों को मिला के और भविष्य की राजनीति को देखते हुए जिस तरीके से केजरीवाल साहब कह चुके हैं पंजाब जीतने के बाद अब हमारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेंगी। देखो मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ, ये आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब का चुनाव और पंजाब का जीतना बंद गली का आखिरी मकान साबित हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल साहब अब तक ये कहते आए कि हमें फुल फ्लेश काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हम बहुत अच्छी से चला सकते हैं अगर पुलिस हमारे हाथ में हो, तो अब वो कहने के लिए जैसे पहले कहते थे हमारे पास कुछ नहीं है, अब उनके कहने के लिए सब कुछ है, आपको एक राज्य मिल गया है, फुल फ्लेश राज्य मिला है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, और सारी एजेंसी वहां पे चीजें सब आपके हाथ में है। यहाँ पे जरा सी भी अगर चूक होती है तो मुझे लग रहा है मुख्य विपक्षी पार्टी जो देश में है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ उनको कहने का मौका मिल जाएगा कि आप कहते थे कि आपको सब कुछ फुल फ्लेश करने को मिलेगा लेकिन आप यहाँ पे फेल हो गए। अगर यहाँ पे जरा सी भी चूक होती है तो इनके जो बढ़ते कदम है पूरे भारत में मुझे लग रहा वो रुक सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में
पंजाब के बाद में गुजरात के भी चुनाव में इनको जाना है, हिमाचल बिल्कुल लगा हुआ है वहां पे भी जाना है, तो सारे को गठजोड़ करके जो एक गणित होना चाहिए था और जो एक पूरी भौगोलिक स्थिति जो बननी चाहिए थी, मुझे लग रहा वो बनती नहीं दिखी है इन पांच राज्यसभा में भेजे गए नामों के साथ में। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा खाटी के वो नाम होने चाहिए थे, जैसे कैप्टन साहब को हराया है और बड़े बड़े धुरंधर लोगों को जो हराया है आम आदमी के लोगों ने, जैसे एक कोई पेंचर जोड़ता था वो चाय कोई बेचता था, ऐसे लोगों को अगर मुझे लग रहा भेजना राज्यसभा भेजा जाता तो एक मैसेज बहुत बढ़िया जाता कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने नाम के विपरीत काम कर रही है, आप अपने नाम के हिसाब से काम कर रही है, वो आम आदमी को तवज्जो दे रही है। अब बताइएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और दूसरे नाम है जो भी करोड़पति अरबपति हैं, और दूसरे संदीप पाठक है IIT के प्रोफेसर है दिल्ली के, तो ये लोग आम आदमी तो नहीं है जिस तरीके से आप अपनी राजनीति करते हो कि आम आदमी नहीं है। तो मुझे लग रहा है अब आम आदमी पार्टी भी खास पार्टी की तरफ से बन चुकी है, और आम आदमी पार्टी का जो और आम आदमी का एक एक वो था, वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं पीछे हटता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो उनकी पार्टी है, जब सत्ता हाथ में आ जाती है, जब चीजें हाथ में आ जाती हैं, तो राजनीतिक लोग और उनके चुने हुए लोग अपनी सुनते हैं, कोई फिर उसके बाद में राहुल लाल रमेश ठाकुर या मनीषा जी की बात को नहीं सुनते हैं। हम लोग समीक्षा कर सकते हैं, हम उनकी बातों पे कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं को करना होता है, वो करना होता है। बिल्कुल रमेश जी, और जैसे कि आप राज्यों का जिक्र भी कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता और जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं वहां पर भी, बाकी राज्यों में आप जिक्र जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन राहुल लाल जी, जैसे कि जिक्र किया कि अगर हम आम आदमी पार्टी की नीतियों की तरफ अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाम ही जस्टिफाई करता है आम आदमी पार्टी का, उस तरीके से अगर आम ही लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है उम्मीदवार के तौर पर, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट लोगों के बीच में और कहीं ना कहीं और लोगों के बीच में भी अलग पड़ता है। लेकिन राहुल लाल जी, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जैसे कि क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम भी कैंडिडेट्स में शामिल किया गया है, और युवा जो कि है राघव चड्ढा, उनका भी नाम शामिल किया गया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है पंजाब में वो यही है कि जो युवा है वो एक भारी तादाद में नशे की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होता है, और उसी को लेकर एक मेन मुद्दे के तौर पर आम आदमी पार्टी राज्य में आई हुई थी। चुनाव से पहले भी कई तरह के दावेवादे सरकार की तरफ से किए गए थे, पार्टी की तरफ से किए गए थे कि अगर राज्य में सरकार बनती है तो हम इन पर रोक लगाने या फिर इन्हें नियंत्रण करने में खास तौर पर अपनी सक्रियता दिखाएंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो क्या जिस तरीके से हरभजन सिंह को टिकट राज्यसभा का कैंडिडेट चुना गया, राघव चड्ढा को चूंकि युवा है, तो ऐसे में युवाओं पर खास तौर पर फोकस करकर पूरा समीकरण बैठाकर ये तब इनके नाम फाइनलाइज्ड किए गए हैं? उन्होंने ध्यान तो कुछ उसी फॉर्मूले का रखा है, लेकिन चूंकि देखिए जब आम आदमी पार्टी को लेके बात होती है तो आम आदमी पार्टी खुद ही दावा करते रहती है कि हम सभी जो कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली दल है, या और जो जितने भी अस्तित्व में पुरानी पार्टियां हैं उससे मैं एक अलग पार्टी है, वो तो वो उनका दावा होता है। देखिए अगर अभी हम लोग बातचीत करें कि पंजाब में जिस तरह से युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और विशेषकर मैं तो कहूंगा कि वैसे युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिन्होंने की एक तरह से नशा के विरुद्ध भी बड़ा अभियान चलाया था, नंबर वन, और उन्होंने वहां पे राजनीति में आप देखिए कि जो परंपरागत राजनीति के जो भी बड़े नाम थे उन दिग्गजों को कैसे कैसे, अभी रमेश जी भी सही कह रहे थे कि पंक्चर लगाने वाले, सफाई घर में सफाई करने वाले, ऐसे छोटे छोटे लोगों ने जो है कि उनकी नींदें उड़ा दी और उनको जमानत तक भी जब्त करा दी कई जगहों पे, तो और तो उस तरह के अगर लोगों को लाते अगर ये, और उस तरह के युवा अगर आते तो वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर चीज होता। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार यानी होता चला जा रहा है वो और ज्यादा शक्ति में बढ़ती चली जा रही है, तो वो कहीं कहीं जो पुराने दल है उन्हीं के नीतियों का अनुसरण कर रही है। लग रहा है कि कुछ दिनों बाद अगर वो इसी ढंग से चलेंगे तो फिर परंपरागत पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई विशेष अंतर हम लोगों को नहीं दिखेगा। हालांकि अभी सरकार का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने ठीक है फैसला लिया है 25,000 भर्तियों का, या बाकी आने वाले कई बड़े दावे हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो हम लोगों को देखना है कि किस रूप में चलता है, क्योंकि अभी सरकार का गठन ही हुआ है। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ी थी पंजाब में, कहीं ना कहीं वो बाकी पार्टियों की तरह, बाकी दल की तरह भी साबित होती जा रही है। राहुल लाल जी बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी हमारे साथ सीधे चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, अभी किस तरह की प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं किस तरह की हलचल देखी जा रही है, जब से पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है 31 मार्च को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार
उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, किस तरीके से अभी हलचल देखी जा रही है? देखिए वनीषा, अगर सीटों की बात करें जो खाली हुई है पंजाब से राज्यसभा के लिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, तो यहाँ पर ये जो पांचों सीटें हैं आम आदमी पार्टी के ही खाते में जाएगी। हालांकि 31 मार्च को चुनाव होना है, लेकिन क्योंकि एमएलए आम आदमी पार्टी के ज्यादा हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के ये जो पांचों उम्मीदवारों की तरफ से जो नामांकन भरा गया है, जिसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और दिल्ली से जो विधायक है राघव चड्ढा, और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है संजीव अरोड़ा और आईआईटी प्रोफेसर संदीप पाठक, इनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया कि प्रतिक्रिया किस तरीके की आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हरभजन सिंह के अलावा किसी पर भी जो विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों की तरफ से यहाँ पर सहमति नहीं दिखाई गई है। इसके पीछे भी वजह है, देखिए लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के चांसलर को यहाँ पर टिकट दी गई है, नामांकन उनकी तरफ से राज्यसभा का भरा गया है, जबकि वो एक रसूखदार हैं। इसके अलावा आप बात कर लीजिए संदीप पाठक से, जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, आईआईटी प्रोफेसर हैं, और इसके साथ ही राघव चड्ढा दिल्ली के विधायक हैं, लेकिन सह प्रभारी जरूर उन्हें पंजाब का बनाया गया था। उन पर चुनाव से पहले भी इस तरीके के आरोप लगे थे कि सुपर सीएम कहीं ना कहीं राघव चड्ढा बनना चाहते हैं, और यहीं से देखिए राघव चड्ढा को राज्यसभा भेज दिया गया है, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, और बिजनेसमैन दिल्ली के नेताओं को जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन उनका भरवाया गया है, जो 5 सीटें खाली हुई है, 2 सीटें और खाली होनी है, उसमें भी आम आदमी पार्टी का तय है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों में घिरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने विश्वास देके बदलाव के सहारे सत्ता पे काबिज किया है, तो आप लोग पंजाब के लोगों को तवज्जो दे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्हें पहले ही कल देखा हमने, बीते कल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से पाठशाला ली गई, उसमें रोटूक शब्दों में कह दिया गया कि अगर कोई परफॉर्मेंस बिल्कुल ईशा, और कहीं ना कहीं जो राजा वडिंग है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं पंजाबियत का ख्याल रखना चाहिए आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से रमेश जी, क्रिकेटर हरभजन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा के लिए, राघव चड्ढा को और संदीप पाठक की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य की जनता से ये दावा किया था, ये वादा किया था कि अगर पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो फिर वो व्यापार को बढ़ावा देंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए तमाम रास्ते खोले जाएंगे रोजगार को लेकर, क्या वो विजन इन 5 नामों में नजर आ रहा है? देखिए मनीषा जी, ये आपके जो सवाल है इसके उत्तर मुझे लग रहा कुछ महीनों के बाद हम लोगों को दिखाई देंगे और मिलेंगे भी। लेकिन ईशा बिल्कुल सही बात कह रही है कि इन 5 नामों की सहमति के बाद में अंदर खाने का जो विरोध है, जो दूसरी पार्टियां जो विरोध करेंगी, वो यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा, और उठना लाजमी भी है। आपने शुरुआत में ही अब तक ये कहा कि हम लोग ठीक है, पंजाब की पार्टी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, अगर हम पंजाब जीतते हैं तो यहाँ पंजाबियतों को ही सबसे ज्यादा अहमियत देंगे, और मेरे ख्याल से देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट में आप जीतते हो तो वहां के लोकल लोगों को अगर ये चीजें दी जाए तो अच्छी बात है। अब आपने चुन चुन के बड़े बड़े घराने के और बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने आपके चुनाव में फंडिंग करी या किसी तरीके से आपको लाभ पहुंचवाया था, तो उनको आपने उठा के आपने आज राज्यसभा के लिए नामित कर दिया और भेज दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को अच्छे से पचा नहीं पाएगा। आप जब आम आदमी पार्टी का ढिंढोरा पीटते हो, जब आम आदमियों की बात करते हो, तो आम आदमी पार्टी का वो भी व्यक्ति है जिसने एक बड़े स्तंभ को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराया है। एक वो बहुत बड़ा नाम हो सकता था आपकी नजरों में, जिन्होंने सिद्धू चिन्नी और इन लोगों को सबको हराया है। तो ऐसे लोगों को अगर मुझे लग रहा आगे बढ़ाया जाता, तो मेरे जैसे लोगों को विशेष तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत खुशी होती, और आपका जो नाम है आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा उस पे मोहर लगती हुई दिखाई देती। लेकिन आज इस फैसले के बाद से मुझे ये लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, अब ये खास पार्टी हो चुकी है। इससे पूरी तरीके से दिल्ली से लेके हर तरीके से एक विरोध खुटना शुरू हो गया। मुझे लग रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलना चाहिए था और चेंज करना चाहिए था, क्योंकि देखो
अभी बहुत कुछ आगे चलना है, आपको स्टेप बाय स्टेप कई चीजें, कई कदम आपको चलना है। आपने एक राज्य जीता, दूसरा राज्य जीता, आपको अभी 28 राज्य और 9 यूटी राज्यों में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको अगर बढ़ना है इसी तरीके से, जब बढ़ोगे आम आदमी का नाम लेके और चोला आप पहनोगे खास आदमी का, तो मुझे लग रहा है देश की प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो खुद ही एनालिसिस करती है, राजनीतिक समझ मुझे लग रहा है हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और बिल्कुल रमेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन भी किया गया था तो आम लोगों को ही इकट्ठा किया गया था और आम लोगों ने ही मिलकर ये पार्टी बनाई और बनते बनते मात्र 9 से 10 सालों में पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि पंजाब जैसा राज्य भी अब आम आदमी पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। लेकिन राहुल देव जी और राहुल लाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा वडिंग ने कहा कि भगवंत मान से उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा ये गुजारिश भी की है कि वो पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको नाम करें, कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब में फंसती हुई तो नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी? प्रथम दृष्टया मनीषा जी ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, जो तमाम आप केजरीवाल जी के भाषण अगर हम लोग सुने जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, और हम लोग भी मानते हैं कि पंजाब की एक विशिष्ट स्थिति है, वो विशिष्ट उसकी सुरक्षा आवश्यकता है, उसने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, वो सीमा क्षेत्र वाला एक अलग सा राज्य है, तो उसके बारे में वहां पे विकास का निर्णय जो है कि आप दिल्ली से कोई व्यक्ति अगर उन्होंने चुनावी प्रबंधन काफी अच्छा कर लिया पाठक जी ने या फिर राघव चड्ढा जी ने, तो उस कारण से आप उन्हें पंजाब से राज्यसभा का सदस्यता दे दीजिए, वो भी जो कि दिल्ली विधानसभा में सिटिंग एमएलए है। तो ये थोड़ी बातें जो है कि ये कहीं हजम होने वाली नहीं दिख रही है। तो ये तो फिर एक चीज तो यही दिख रहा है कि दूसरे पार्टियों में जिस तरह से आला कमान पूछी जाए दिल्ली से थोप देता है, लग रहा है कि वो आला कमान संस्कृति जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर भी प्रवेश कर चुकी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में हम लोग इन चुनावी टिकटों के बंटवारे में एक अंतर देखने के लिए वो सीधे सीधे समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी जब कहती थी कि हम जब वहां पे सत्ता में आएंगे तो पंजाब के सारे निर्णय, पंजाब के सब कुछ चीजें जो है वो पंजाबी करेंगे, वहां की संस्कृति को हम संरक्षित करेंगे, अलग अलग वहां के समस्याओं को जो वहां के जो लोकल एक्सपर्ट है उनके माध्यम से होगा। देखिए, हमें समझना पड़ेगा राज्यसभा की बड़ी विशिष्ट भूमिका होती है जी। राज्यसभा में कोई वो राजनीतिकों के भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, जो संविधान निर्माताओं ने विम्स को बनाया था, तो एक तरह से वहां पे कि भाई जो लोकल एक्सपर्ट लोग होंगे वो उस तरह के लोगों को जवाब भेजते हैं तो वो राज्यों के उन मामलों को गंभीरता से सदन के पटल पे उठा सके। 3 सदस्य इनके राज्यसभा में पहले से हैं दिल्ली से, 5 यहां से जाने वाले हैं, तो अगर उसमें उन स्थानीय तत्वों का ये ध्यान रखते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए देखिए, एक तरह से हमें भी यही चीज लग रहा है कि नाम और इनके काम में विरोधाभास फैलता जा रहा है। आम आदमी पार्टी को काफी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पार्टी अभी आगे फैलने वाली है। इनके पंजाब में ये क्या कर रहे हैं, ये नजर जो है कि गोवा के लोग भी रख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी रख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के भी रख रहे हैं, गुजरात के भी लोग रख रहे हैं, तो इनको चूंकि अन्य राज्यों में फैलना है तो इन्हें अपने नाम और काम उसमें कहीं ना कहीं समानता इनको दिखानी चाहिए, जो अभी इस समय वर्तमान में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब आप करोड़पति अरबपति जैसे दिग्गजों को, दिल्ली में भी इन्होंने एक राज्यसभा का मेंबर एक उसी रूप में बनाया था, और वो परंपरा फिर जो है वो पंजाब में भी जाती हुई दिख रही है, तो पुराने गलतियों से, जब पुराने आलोचनाओं से भी आम आदमी पार्टी कोई बड़ी सीख लेती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि हम लोगों को लग रहा था कि संभवतः जब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसके आधार पे कुछ परिवर्तन भी आम आदमी पार्टी में संभवतः दिखेंगे, लेकिन वो अभी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन रमेश ठाकुर जी, लगातार जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि विपक्ष तो सवाल निशान खड़े करेगा ही, क्या लोगों के बीच में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, क्या लोगों के बीच में इसकी छवि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर बदलती नजर आएगी? देखिए, इन चुनावों में और इन नामांकनों में आम आदमी की कोई भागीदारी नहीं होती, कोई समिति नहीं होती है, ये फैसला उच्च स्तर के और शीर्ष नेता ही लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जहां इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जनता अपने से एनालिसिस कर रही है, बाकी प्रदेश की जनता, और 5 नाम आपको 5 नाम देने थे राज्यसभा के लिए, तो मुझे लग रहा जब चुनाव जितवाया है आम आदमी पार्टी को वहां के लोकल पंजाबियों ने, तो उसमें कई बुद्धिजीवी हैं, कई अच्छे थिंक टैंकर भी हैं, और कई ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस से टूट के आए हैं और जो दूसरी पार्टियों से टूट के आए हैं। मुझे लग रहा है ये अगर उनको तवज्जो अगर दी जाती तो मुझे लग रहा इमेज आम आदमी पार्टी की
आम पंजाबियों में और ज्यादा बढ़ती और आने वाले चुनाव में और दूसरे राज्यों में जाने के लिए जो आप कदम बढ़ा रहे हो तो उसमें मुझे लग रहा आपको बहुत ज्यादा फायदा होता। यहाँ कदम ये जो पांच नाम सामने आए हैं बिल्कुल सहमति से परे हैं और ऐसे नाम इसमें कोई आम आदमी नहीं है सर, अरबपति खरबपति, अब ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो व्यक्ति है जो वाइस चांसलर आए हैं और दूसरे व्यापारी आए तो जाहिर सी बात है ये कैसे आए होंगे, क्यों आए होंगे, इनका पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के सदस्य भी नहीं है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं रमेश जी, तो संदीप पाठक एक वो शख्सियत है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की रणनीति को काफी लंबे समय से बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान अपना दे रहे थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो सक्रियता में लगातार बने हुए थे, एक्टिव वो लगातार बने हुए थे राज्य में, नाम के उनके जैसे तो बहुत तेरे थे जो उन्होंने करा वैसे ही, और बहुत ही लंबी लाइन थी। अगर पाठक जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था तो मुझे लगा दिल्ली है जहां से वो आते हैं, वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता था। अगर आपको राघव चड्ढा को यही कहा जा रहा था शुरू से कि वेशक भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सुपर सीएम जो है वो दिल्ली में बैठ के राघव चड्ढा ही देखेंगे, वही सब संभालेंगे, ये बात कही जा रही थी। अगर राघव चड्ढा को आप शिफ्ट करना था तो उनके जगह पे आपको पाठक जी को, संदीप पाठक को वहां से चुनाव लड़ा सकते थे, ये हो सकता था। यानी कि कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आ रही है, चाहे अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष भी कमी और खामियां निकाल रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने नाम पे ही जस्टिफाई होती है, कहीं ना कहीं वो आम लोगों को टिकट देती तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अलग होता पार्टी पर भी और कहीं ना कहीं लोगों पर भी। रमेश जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए, और राहुल लाल जी आपका भी चर्चा के लिए और अपना वक्त नेटवर्क 10 को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।